Devotional Path to Divine. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajan, kirtan or kavalis or even repeating the name of God in silence or notice that some of them are moved to tears. आप लोगों ने अपने आसपास चारों तरफ देखा होगा कि लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों से भगवान की पूजा करते हैं. कोई भजन गाता है, कीर्तन करता है, कवाली गाता है और कई लोग अकेले में भगवान का नाम जपते हैं. और आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग भगवान के सामने यहाँ तक रो भी रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kind of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 8th century. और भगवान के प्रति ये इतना ज़्यादा श्रद्धा, प्यार, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से लोगों ने सीखा, कहाँ से लोगों को पता चला, ये उन भक्ति और सूफी मोमेंट्स की देन है जो 8th century से शुरू होते हैं. The idea of supreme God. Before large kingdom emerged, different groups of people worship their own goddess and gods. कि जब बड़ी बड़ी किंगडम्स नहीं बनी थी, छोटे छोटे लोग ग्रुप्स में अलग अलग जगह पर रहा करते थे, तो वो अपने तरीके से अपने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे. As people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas begin to develop. लेकिन जैसे जैसे नए शहर बने व्यापार की वजह से या बड़े बड़े empires बने जिससे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, तो भक्ति के भी नए नए ideas develop होने शुरू हो गए. और उनमें से सबसे important जो idea था जिसे बहुत सारे लोगों ने accept किया, That was the cycle of birth and rebirth. कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है और उसकी मृत्यु होती रहती है. The idea that all living being pass through the countless cycle of birth and rebirth, performing good deeds and bads came to be widely accepted. कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा जन्म मिलता है और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें खराब जन्म मिलता है. सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और यहाँ तक कि एक जो और आइडिया बहुत फेमस था वो ये था कि सभी लोग जन्म से इक्वल नहीं होते हैं. द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ. कि सोसाइटी के अंदर जो ऊंची और नीची जाति का जो कंसेप्ट है कि कुछ लोग ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग नीची जाति से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कि उनका जन्म अगर ऊंची जाति में हुआ है तो वो उनको कुछ सोशल प्रिविलेज यानी कि समाज के अंदर फ़ायदे मिलने चाहिए और जिनका नीची जाति में हुआ है उनको नहीं मिलने चाहिए. तो ये बिलीफ भी जो है वो बहुत जगह पर पाया जाता है. Many people were uneasy with such ideas, turned to teachings of Buddhas or Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through the personal efforts. और बहुत सारे लोग जो इस ऊंची जाति और नीची जाति के भक्ति के आइडिया को समझ नहीं सके, जिनको ये सही नहीं लगता था, वो भगवान बुद्ध और जैन की शिक्षाओं की तरफ मुड़ गए. यानी कि उन्होंने भगवान बुद्ध और जैन की शिक्षाओं को पसंद किया जिसके अकॉर्डिंग कि अगर इंसान कोशिश करे तो वो इस डेथ और बर्थ के साइकिल से छुटकारा पा सकता है. अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन. और एक आइडिया ये भी था कि अगर हम सही तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें इस साइकिल ऑफ डेथ और रीबर से छुटकारा पा सकते हैं. दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवत गीता
grew in popularity in the early centuries of common era. और ये आइडिया जो भगवत गीता में भी लिखा है, तो कॉमन ईरा अगर हम बात करें तो कॉमन ईरा यही है जिसके अंदर हम रह रहे हैं. इट मीन्स कि अगर हम बात करें कि आज से 2000 ईयर्स पहले ही ये कॉमन ईरा शुरू हुआ है, उससे पहले आप लोगों ने सिक्स क्लास में बीसी और एसीज के बारे में पढ़ा है, तो ये बहुत पॉपुलर होने लगा. शिव विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डिटीज केम टू बी वर्शिप थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स. और इस समय में भगवान शिव विष्णु और दुर्गा की अलग अलग बड़े बड़े रीति रिवाजों से पूजा होने लगी. एट द सेम टाइम गॉड एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाई विद शिवा विष्णु और दुर्गा. और इसी समय में जो अलग अलग तरह के देवी देवता थे जिनकी अलग अलग जगह पर पूजा होती थी, उन्हें भी किसी ना किसी तरह भगवान शिव विष्णु और दुर्गा का रूप माना गया. इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लीजन बिकेम द पार्ट ऑफ पुरानिक स्टोरी एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन पुराण्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द लोकल कल्ट्स. और इसी समय में जो वेदों और पुराणों में जो कहानियाँ थी और जो लोगों की ऑब्जर्वेशंस थी, जो लोकल लोगों को पता था भक्ति के बारे में, वो सब चीज़ें कि पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से भगवान खुश होते हैं, ये बातें आम आदमी तक पहुंचने लगी. इवेंचुअली द पुराणस आल्सो लेड डाउन दैट इट वाज पॉसिबल फॉर डिवोटी टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस. और ये बात तो पुराणों में भी लिखी है कि यहाँ तक बिना किसी जाति के भेदभाव के किसी भी जाति का व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है. द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स अडॉप्टेड दीज बिलीव्स. और यहाँ तक कि भक्ति का आइडिया इतना पॉपुलर हो गया कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी इन्हें मानने लगे. अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयानर्स एंड अलवर्स. अब हम बात करेंगे कि मेनली ये जो हमारे भक्ति मूवमेंट हैं, देवर स्टार्टेड इन साउथ इंडिया. द 7th टू 19th सेंचुरी सॉ द एमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट लेड बाय नयानर्स, सेंट डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा. यानी कि वो संत जो भगवान शिव को मानते हैं. और अलवर्स उन संतों को कहा गया है जिनके मेन जो डिवोटी हैं वो कौन है, लॉर्ड विष्णु, यानी कि जो उनके मेन डेटी हैं. हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसीडर्ड अनटचेबल्स लाइक द पुलियार्स एंड पनार्स. कि 7th से 19th सेंचुरी के अंदर नए नए रिलीजियस मूवमेंट्स आने लगे और उनमें से मेनली नयानर्स और अलवर संत थे. लेकिन वो संत सभी ऊंची जाति के नहीं थे, उनमें से कुछ नीची जाति के संत भी थे, जैसे कि पुलायर्स और पनार्स. देवर शार्पली क्रिटिकल्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन एंड प्रीच आर्डेंट लव ऑफ शिवा एंड विष्णु एज द पाथ ऑफ सेल्वेशन. तो अब ये जो अलवर्स और नयानर्स थे, ये बुद्धिस्ट और जैन्स के बिल्कुल खिलाफ थे, उनके क्रिटिकल थे, उनके ये उनकी आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान को पाने का जो रास्ता है वो शिव और विष्णु की भक्ति है. दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर. द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन ईरा. तो उन्होंने ये आइडियाज कहाँ से लिए लव और हीरोइज्म के, दैट दे हैव टेकन फ्रॉम संगम लिटरेचर. अब संगम लिटरेचर क्या है, ये तमिल लिटरेचर है जो कॉमन ईरा की अर्ली सेंचुरीज के अंदर, यानी कि बिगनिंग की सेंचुरीज के अंदर लिखा गया था, यानी कि सेकंड थर्ड सेंचुरीज की यहाँ बात कर रही हैं, एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यू ऑफ भक्ति. द नयानर्स एंड अलवर वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्वासाइड पोयम इन प्रेज ऑफ द डिटीज एंड श्राइन्ड इन द विलेज दे विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूजिक. अब नयानर और अलवर संत एक जगह से दूसरी जगह पर जाते और वो अपने अपने इष्ट देव की प्रेज में, प्रशंसा में कविताएं लिखते और
उन्हें संगीत के साथ गाते वो जिस भी गांव में जाया करते थे। बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी द चोला एंड पांड्या किंग बिल्ट इलेबोरेट टेम्पल अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन्स विजिटेड बाय द सेंट पॉइंट स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। हम लोग जानते हैं चोला टेम्पल्स के बारे में, तो जो चोला और पांड्या किंगडम्स थे किंग्स थे उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और इस तरह से भक्ति का जो ट्रेडिशन का लिंक था वो कहीं ना कहीं मंदिर में जाकर पूजा करने से बन गया। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड और ये वो समय था जब इन अलवर्स और नयानर्स ने भगवान की प्रेज में जो कविताएं लिखी थी उनको कंपाइल किया गया, उनको इकट्ठा किया गया। और बिसाइड हेग्योग्राफिस, हेग्योग्राफिस क्या है, द स्टोरी ऑफ अ लाइफ ऑफ सेंट, यानी कि जो संतों के जीवन के बारे में लिखा जाता है उन्हें हम हेग्योग्राफी कहते हैं। हेग्योग्राफीज एंड रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ अलवर्स एंड नयानर वर ऑल्सो कंपोज्ड। तो अलवर और नयानर जो संत थे उनके जीवन के बारे में लिखा गया। एंड टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज अ सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। और आज अगर हम भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें यहीं से मिलती है। फिलॉसफी एंड भक्ति, शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न इन केरला इन 8th सेंचुरी। शंकरा जो भारत के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर, इन्फ्लुएंशियल मतलब जो बहुत सारे लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, केरला में 8th सेंचुरी में। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वितीय और द डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज अल्टीमेट रियालिटी। और उन्होंने क्या बताया, डॉक्टर अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जो एक ही है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि एक इंसान एक इंडिविजुअल की आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिल जाती है और वो एक ही है। ही टॉट दैट ब्रह्मा, उन्होंने कहा ब्रह्मा जो अल्टीमेट रियलिटी है जो सुपर पावर है वो फॉर्मलेस है, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है, हम उन्हें देख नहीं सकते। ही कंसीडर्ड द वर्ल्ड अराउंड टू बी एन इल्यूजन और माया, उन्होंने कहा कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो माया है और हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं इस सब माया से, अपने आसपास के इन जाल से, दैट वॉज द पाथ ऑफ नॉलेज। और अगर हम भक्ति का रास्ता अपनाते हैं तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। रामानुजा बॉर्न इन तमिलनाडु इन 11th सेंचुरी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्बर्ट्स। अब अगर हम बात करें 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में जन्म हुआ रामानुजा का और वो अलवर सेंट्स। अब अलवर्स कौन है, द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, भक्ति सेंट्स ऑफ गॉड विष्णु। अकॉर्डिंग टू हिम बेस्ट ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू गॉड, और उनके अगेंस्ट मुक्ति पाने का जो रास्ता है वो है भगवान विष्णु की भक्ति। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। विष्णु जो है वो अपनी कृपा से अपने भक्तों को अपने साथ मिला लेते हैं। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वितीय और क्वालिफाइड वननेस इन दैट सोल इवन वेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। और उन्होंने हमें एक और चीज़ बताई, दैट इज विशिष्ट अद्वितीय और क्वालिफाइड वननेस। अब क्वालिफाइड कौन है, जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो उनकी आत्मा अगर परमात्मा से भी मिल जाती है फिर भी वो दूसरों से अलग रहती हैं। रामानुजा डॉक्ट्राइन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति विच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। और रामानुजा ने जिस तरह की भक्ति की बातें की उनके ये जो आइडियाज़ हैं वो नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए।